हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लाइफस्टाइल विद संगीता जा। आज हम बना रहे हैं रवा मोदक। ये बिल्कुल सिंपल और घर के सामानों से बना हुआ है। इसके लिए आपको कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आइए बनाते हैं मोदक। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाला है। घी जब गर्म हो जाएगा तो हम 1 कप रवा डालेंगे। ये बारीक या मोटा कोई भी रवा जो आपको पसंद हो आप ले सकते हैं। इसको अच्छे से भुनेंगे। हमें भूनते वक्त ये ध्यान रखना है कि इसका कलर ब्राउन ना हो, ये बस कच्चापन जो है वो रवा का निकल जाए। ये देखिए हमारा रवा जो है वो भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप डेसिकेटेड कोकोनट और उसको भी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर हम मिल्क पाउडर डालेंगे 4 टेबलस्पून, उसको भी मिक्स करेंगे और उसके बाद 1/2 कप शक्कर डालेंगे। इन सबको डाल के मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे 250 ml दूध लिया है। मैंने 1/2 लीटर पहले दूध लिया था, उसको थोड़ा सा हाफ क्वान्टिटी जब तक नहीं हो गया तब तक मैंने उसको गाढ़ा किया। इससे जो हमारा ये मोदक बनेगा ना उसमें बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और उसमें मावा का टेस्ट आएगा। इसके लिए मैंने दूध को गाढ़ा करके लिया है। अब हम इसमें थोड़े से केसर और फूड कलर डालेंगे। आप ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें ना तो ना, अगर आपको पसंद ना हो तो आप नहीं डालें। ये देखिए सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक इसको पकाएंगे जब तक कि ये एक डो फॉर्म में ना आ जाए। इसके लिए मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी इसमें डाले हैं। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें नहीं तो ना डालें। ये देखिए इसको भूनते भूनते ये एक डो फॉर्म में आ गया है। अब इसको ठंडा होने रख देंगे। ठंडा होने के बाद हम एक मोल्ड लेंगे, जो मोदक बनाने का होता है वो मार्केट में आसानी से मिल जाता है, ज़्यादा महंगा भी नहीं होता है, 5-10 रुपये में मिल जाता है। आप इसको मार्केट से ले सकते हैं या आप अपने हाथ से भी बना सकते हैं। मोल्ड रहने से ये जल्दी जल्दी फटाफट बन जाता है। ये देखिए मोल्ड में ऐसे डालेंगे और इसको चारों ओर उंगलियों से फैला लेंगे। फैलाने के बाद मैंने इसमें कुछ थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए ऐसे चारों ओर से अच्छे से फैला लेना है। उसके बाद ऐसे ड्राई फ्रूट्स डाल के थोड़े से ऊपर से इसको कवर कर देना है और थोड़ा प्रेस करना है ताकि ये मोल्ड में अच्छे से सेट हो जाए। ये देखिए हमारा मोदक जो है वो सेट हो गया है और अच्छे से बन गया। ऐसे ही हमें सारे मोदक बना लेना है। एक और मैं बना के दिखाती हूँ। ऐसे ही मैं मिश्रण को लूँगी और उसको चारों ओर अच्छे से फैला के फिर ड्राई फ्रूट्स डाल के ऊपर से इसको कवर कर दीजिए। हमारा मोदक बनकर है ना, कितना इजी। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। बहुत आसानी से आप गणपति में, फेस्टिवल में या कोई और फेस्टिवल में मोदक बना के आप अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ इंजॉय कर सकते हैं।